व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। ये हमारे तीनों ही चैप्टर जो हमने कंप्लीट करे हैं, दो हमने कर लिए, थर्ड ये है, ये सब सेकंड यूनिट से आ रहा है। इसके बाद आपका फर्स्ट यूनिट बचेगा जिसमें तीन चैप्टर्स हैं, और आपका इंडियन इको कंप्लीट। मैक्रो मैं एक ही दिन में कंप्लीट करूंगा सारा, बीओपी, फॉरन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, मनी बैंकिंग। तो आपका 3 डेज में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पॉवर्टी के साथ, और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग पॉवर्टी के साथ। व्हाट एक्चुअली इज पॉवर्टी? पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन। इनएबिलिटी का क्या मतलब हुआ? इनएबिलिटी का मतलब कि एक इंडिविजुअल एबल नहीं है। इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। मतलब आप किसी भी इंसान को पॉवर्टी में तब कंसिडर करोगे अगर वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहा, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो पॉवर्टी इज बेसिकली द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। और वो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स में फूड आ जाता है, खाना, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई और अच्छा हेल्थ। हेल्थ और एजुकेशन का इंपॉर्टेंस आपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी पढ़ा था, इसलिए वो इसमें भी इंक्लूड करा गया है। पहले बेसिक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हम लोग कंसिडर करते थे। अच्छा, पॉवर्टी को डिवाइड कितने पार्ट्स में करा गया है? पॉवर्टी को डिवाइड करा गया है अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में बात करें तो किसको आप पुअर कंसिडर करोगे? पुश कार्ट वेंडर्स, जो कार्ट पुश करते हैं ना, रेडी वाले, रैग पिकर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स और बेगर्स। रैग पिकर्स जो रैग्स पिक करते हैं, पॉलिथिन वगैरह पिक करते हैं ना, स्ट्रीट कॉबलर्स शूज की रिपेयर वगैरह करने वाले, बेगर्स, बेगर्स को आप कंसिडर करते हो। और रूरल एरियाज में हमारे पास लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, कल्टीवेटर्स जो किसी और की ज़मीनों पे कल्टीवेशन करते हैं, ये लोग। ठीक है जी, पुअर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन से लोग पुअर कंसिडर करे जाते हैं, उनमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? पुअर हेल्थ, हेल्थ खराब होती है उनकी, हंगर, भूख, भूख की रहता है उन्हें, काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है बट खाना नहीं होता। स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब वो बहुत ज़्यादा इमेंस गरीबी में रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो मैल न्यूट्रिशन दिखाई देंगे, बहुत वो होते हैं ना पतले पतले भुखमरी वाली चीज़ें, वो सिचुएशन। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती उनके पास, वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो लोग बिलीव करते हैं कि बॉयज़ होंगे अगर घर में तो काम ज़्यादा होगा, बट ऐसा एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, उनके ऊपर और बर्डन पड़ता रहता है, कर्जा बढ़ जाता है। बिगर फैमिलीज़, बड़े बड़े परिवार होते हैं, क्योंकि वो बच्चों को एज सोर्स ऑफ लेबर कंसिडर करते हैं कि बच्चे होंगे, काम करेंगे, अच्छा कमा पाएंगे, माइंडसेट का डिफरेंस आ जाता है। तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। डेट ट्रैप, कर्जा काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि खुद का तो सोर्स ऑफ अर्निंग कम होता है बहुत, तो कर्जा लेके काम चलाते हैं। उसके बाद लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, पैसा कमाने के साधन बहुत कम होते हैं, क्योंकि ना तो हेल्थ होती, ना एजुकेशन होती, तो कहाँ काम करेंगे, बस मैनुअल लेबर बन के रह जाते हैं। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास पुअर के। अब यहाँ से आपका बेसिक चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या आता है हमारे पास? वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को कितने प्रकार के वेरिएंट्स में डिवाइड करा गया है? टू टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स, एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव इज जस्ट कंपैरिजन, ठीक है, बहुत ही बेकार सा कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव का मतलब जस्ट कंपेयर करना, कि मैंने बोला कि ए बी से कम कमाता है तो ए इज कंपैरेटिवली पुअर देन बी। फॉर एग्जांपल, ए अर्न करता है 1 करोड़ और बी अर्न करता है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, तो मैंने बोल दिया ए गरीब है क्योंकि वो बी से कम कमाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं देख रहे कि कौन कमा कितना रहा है, बस दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। कंपैरिजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, रिलीजन्स, कंट्रीज, ऐसे कंपेयर करना कि इंडिया यूएस से गरीब है तो क्या इंडिया सारे गरीब हो गए। बेसिकली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आपको एक प्रॉपर मेजरिंग यूनिट नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बस रिलेटिव पॉवर्टी। इंडिया में ये फॉलो नहीं होता, इंडिया में चलता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट में क्या होता है? एब्सोल्यूट में एक पैरामीटर रखा गया है, एक लाइन रखी गई है, उसमें लोगों का खर्चा कंसिडर करा गया है कि बेसिकली अगर एक इंसान पूरा महीने में इससे ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, इससे कम खर्चा कर रहा है या कर ही नहीं पा रहा तो फिर वो गरीब है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ रिलेटिव पॉवर्टी की, तो यहाँ पे आप बस कंपेयर करते हो। एब्सोल्यूट में एक लाइन सेट कर दी गई, उस लाइन को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू द कट ऑफ पॉइंट. पॉवर्टी लाइन बोलते किसको है, एक कट ऑफ पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट, ये जो डिवाइड करता है लोगों को एज पुअर एंड नॉन पुअर. याद रखना, पुअर एंड नॉन पुअर. अच्छा, इसमें खर्चा जो है वो कितना रखा गया है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर. मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एक महीने में अगर इंसान इतना खर्चा कर पा रहा है. रूरल एरियाज में ये जो खर्चा है ये 816 पर मंथ डिफाइंड है. अर्बन एरियाज में ये खर्चा 1000 पर मंथ डिवाइडेड है. यानी अगर आप शहर वाले एरियाज में रहते हो तो 1000 रुपीज पर मंथ, रूरल एरियाज में रहते हो तो 816 पर मंथ. ये खर्चा अगर हम कैलरी की काउंट में करें, कैलरी समझते हो, जैसे हम खाना खाते हैं तो उससे हमें कैलरी मिलती है, जब हम जिम जाते हैं वर्कआउट करते हैं तो कैलरी बर्न होती है, तो कैलरी की टर्म्स में भी आप दे सकते हो. और कैलरी पर डे की होती है, कैलरी पर डे के हिसाब से होता है. और रूरल एरियाज में 2400 कैलरीज और अर्बन एरियाज में 2100 कैलरीज. तो 2100 और 2400 ये हमारी कैलरीज ली गई हैं. अब देखो यहां पे रूरल एरियाज में कैलरी काउंट ज्यादा है. रूरल एरियाज में कैलरी काउंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि रूरल एरियाज में फिजिकल लेबर ज्यादा होती है, बट जो प्राइजेस होते हैं वहां पे वो चीप होती हैं. तो अमाउंट तो यही रखा गया है 1816, और जो कैलरी काउंट है वो रूरल में 2400 पर डे और अर्बन में 2100 कैलरीज पर डे. ठीक है जी, इंडिया में पुअर कैसे आइडेंटिफाई करे जाते हैं. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में सबसे पहले अगर किसी ने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो वो थे दादा भाई नरोजी. ये याद रखना, ये शब्द याद रखना, दादा भाई नरोजी. ये हमारा जो इंडिया में पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन था उसमें भी इनका योगदान था, और पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट में भी दादा भाई नरोजी का बहुत बड़ा रोल है. उसके बाद ही यूज्ड द मेन्यू, उन्होंने मेन्यू यूज करा एक प्रिजनर का. मतलब इन्होंने बोला कि यार बेसिक जो सिर्फ फूड, मतलब जिससे बस जीवित रहे इंसान, ऐसा खाना तो एक प्रिजनर को ही मिलता है, एक कैदी को ही मिलता है. तो उन्होंने एक मेन्यू लिया प्रिजनर का और अप्रोप्रिएट प्रीवेलिंग प्राइसेस के हिसाब से एक इंडेक्स बनाया. इंडेक्स का नाम रखा गया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सबसे पहले दादा भाई नरोजी ने डेवलप करा, जिस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा गया या पॉवर्टी को डिफाइन करा गया. तो याद रखना, सबसे पहले दादा भाई नरोजी, और उन्होंने क्या डेवलप किया था, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. उसके बाद तो बहुत सारी चीजें डेवलप होती चली गई, जैसे टास्क फोर्स हो गया मिनिमम नीड्स और इफेक्टिव चीजें देखने के लिए, प्लानिंग कमीशन ने भी स्टडी ग्रुप बनाया था. तो ये तो एक बेसिक सी बात है, बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट था. इसके बाद जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसी दिखती है, वो पॉवर्टी लाइन ऐसे बस दो लोगों को डिवाइड करती है, ये पुअर और ये नॉन पुअर. बट पॉवर्टी लाइन की ये लिमिटेशन है कि पुअर में भी तो और भी बहुत सारे लोग आते हैं. जैसे एक तो पुअर हो गए, एक बहुत पुअर हो गए, उससे भी पुअर हो गए. सिमिलरली जो पुअर नहीं है उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, नॉट सो पुअर, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, फिर रिच, फिर वेरी रिच, फिर मिलियनेयर, फिर बिलियनेयर. तो ये अलग अलग तो करता नहीं है इनको भी, बस ये बोल देता है कि ये पुअर है, ये पुअर नहीं है. ये इसका एक लिमिटेशन है पॉवर्टी लाइन का, ठीक है. बट ये टेबल इंपॉर्टेंट है, लर्न करके जाना. अच्छा, इसके बाद कितना टाइप्स ऑफ पॉवर्टी होता है, तो याद रखो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और नॉन पुअर. नॉन पुअर तो बहुत सिंपल होते हैं, ये कभी पुअर होते ही नहीं है, दे आर नेवर पुअर, ठीक है. तो ये तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में डालने भी बेकार है, बट पार्ट है तो ठीक है. नॉन पुअर का मतलब नेवर पुअर. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ बनाया, आई थिंक ये विजिबल है, यस yes. और पॉवर्टी लाइन समझ लो यही है, यही वाइट वाली, ये पॉवर्टी लाइन है. तो ये जो नॉन पुअर होते हैं ना, ये हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही होते हैं, ये कभी इस लाइन के नीचे आते ही नहीं है, दे आर ऑलवेज अबव दिस पॉवर्टी लाइन. तो ये हमेशा नॉन पुअर की कैटेगरी में आ गए. अब बात करता हूँ क्रॉनिक. क्रॉनिक की अगर बात करूं तो क्रॉनिक होते हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब है, बहुत खराब. तो क्रॉनिक में दो लोग आते हैं, एक तो आते हैं ऑलवेज पुअर और एक आते हैं यूजुअली पुअर. तो पहली कैटेगरी लो ऑलवेज पुअर की. ऑलवेज पुअर की अगर बात करूं, सपोज ये पॉवर्टी लाइन है तो वो हमेशा इस लाइन के नीचे रहेंगे, हमेशा ही नीचे. देखो ऑलवेज पुअर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऑलवेज पुअर, हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे. यूजुअली पुअर जो अपने लाइफ में 90% टाइम पुअर ही रहते हैं. सपोज ये पॉवर्टी लाइन है तो ये 90% तो पुअर ही रहेंगे, बस एक आधी बार कभी पॉवर्टी लाइन से बाहर चले गए तो चले गए, बाकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जितना भी ये जिएंगे पुअर ही रहेंगे. अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो इम्प्रूव होता जाएगा, ये बिल्कुल नीचे रहे, ये एक आधी बार ऊपर आ गए. तो क्रॉनिक में ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर. ट्रांजिएंट में चर्निंग, चर्निंग मतलब कि बस अब ये 50% टाइम जो है वो पुअर रहते हैं, 50% नॉन पुअर रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, इनको बोलते हैं हम चर्निंग पुअर.
who regularly in and out of the poverty, who regularly move in and out of the poverty. Occasionally poor, जो बस बहुत कम टाइम पे पुअर होते हैं, जो बहुत कम टाइम पे पुअर होते हैं, बनाता हूँ छोटा सा ग्राफ, जो बहुत कम टाइम पे पुअर होते हैं, अगर ये पॉवर्टी लाइन है तो ये मैक्सिमम टाइम ऊपर ही रहते हैं, कभी कभी एक आधी बार नीचे चले जाते हैं, एक आधी बार चले गए ऐसा. ये 90% टाइम नॉन पुअर रहते हैं, ठीक है, और नेवर पुअर तो आपने देख लिया, जो कभी पुअर होते ही नहीं है. तो ये ग्राफ्स एक बार जरूर देखना, जैसे जैसे आगे ग्राफ बढ़ाओगे वैसे वैसे सिचुएशन बेटर होती चली जाएगी. पहले जो हमेशा ही यूजुअली ऑलवेज ही पुअर रहेगा, फिर यूजुअली मैक्सिमम टाइम पुअर बट कभी कभी नॉन पुअर, चर्निंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसके बाद ओकेजनल जो कभी कभी पुअर होगा, और नेवर पुअर कभी पुअर होगा ही नहीं. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अच्छा टॉपिक है. अब चलते हैं आगे. अब आ जाता है पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन की मैंने बात कर ली. पॉवर्टी लाइन वो कट ऑफ पॉइंट है जो इंडिया में डिफ्रेंशिएट करता है पुअर और नॉन पुअर को, और किस टर्म में मेजर करा जाता है, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, MPCE, याद रखना. 816 रुपए 1000 रुपए, ठीक है. अच्छा जी, पीपल हैविंग इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कॉल्ड पुअर, और जिनकी नहीं है उनके ऊपर है वो है नॉन पुअर. पॉवर्टी लाइन कैसे डिटरमाइन करी जाती है, या तो MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उसके बाद मिनिमम कैलरीज, जो भी कैलरी कंज्यूम करता है एक इंसान उसका मॉनिटरी वैल्यू. तो क्राइटेरिया कैलरी इनटेक और MPCE. MPCE मैंने आपको बता दिया 816 पर मंथ रूरल एरियाज, 1000 पर मंथ अर्बन एरियाज. कैलरी पर डे की होती है, रूरल में 2400 कैलरीज पर पर्सन पर डे, अर्बन में 2100 कैलरीज पर पर्सन पर डे, ठीक है, कैलरी काउंट. तो ये एक टेबल अच्छी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आगे चलते हैं जी. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं, ये तो यार एक छोटा बच्चा भी बताता है कि क्या क्या कारण है. सबसे पहला हमेशा की तरह जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ नहीं है, एडुकेशन नहीं है, तो पुअर ही रहेगा ना देश. इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, इलिटरेसी, लोग पढ़ते लिखते नहीं है, बस सोशल मीडिया चलाते हैं. इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि स्टैंडर्ड्स नहीं है, एडुकेशन स्टैंडर्ड्स नहीं है अच्छे कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा. हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, उसका कारण यही है, स्किल्स नहीं है. आप लोग भी पढ़ रहे हो, रटने में लगे हो, यार ये हिस्ट्री तुम्हारे किस काम की है, बेकार है, इससे अच्छा तुम्हें कुछ डिजिटल मार्केटिंग सिखाते, इससे अच्छा तुम्हें कुछ स्टॉक मार्केट सिखाते, फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते, कोई स्किल देते तो फायदा होता ना. ये तुम्हारे किस काम का है, कुछ बेसिक तुम्हारे लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, बट ठीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही इसी प्रकार का. इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो लोग गरीब दिखेंगे ही. इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इनकम इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं. उसके बाद पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्टेट भी बहुत ख़राब है. इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है, मैक्सिमम जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उसके डेवलपमेंट के लिए किसी ने कुछ करा ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पास. मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, किस तरीके से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए या क्या क्या करा जा सकता है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो सबसे पहला जो मेजर है वो यही है. देखो चार मेजर्स यहाँ पे दिए गए हैं. नंबर वन, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ. कॉम्बेटिंग मतलब टैकल करना, पॉवर्टी को टैकल करो थ्रू GDP ग्रोथ. GDP पे ध्यान दो, प्रोडक्शन पे ध्यान दो. जब हमारा GDP बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, मोर पीपल विल गेट इन्वॉल्व इन वर्क्स, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, उनका इनकम बनेगा, इनकम बनेगा तो ग्रो करेंगे, पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे, सिमिलरली और लोगों को भी काम देंगे. तो GDP पे ध्यान दिया जाए. कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रीजन आया था इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, इसे ठीक करने को देखा जाए. इसे गवर्नमेंट कैसे ठीक कर सकता है, थ्रू इट्स फिस्कल मेजर्स एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स, या तो फिस्कल या लेजिस्लेटिव. फिस्कल मेजर्स में क्या क्या आता है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, वही अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जाए और उनसे पैसा लेके गरीबों को सब्सिडी की फॉर्म में दिया जाए. तो देखो अमीर सपोज यहाँ पे इतना कमा रहा है, गरीब यहाँ है, ऐसे कर लो, यही ऐसी ठीक है, अमीर यहाँ पे है इतना कमा रहा है, इससे टैक्स लगाओगे इसकी इनकम कम होगी, इसको सब्सिडी दोगे इसकी इनकम बढ़ेगी. तो देखो इनइक्वालिटीज़ कम हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसा करना है. इनइक्वालिटीज़ को ठीक करना है टैक्सेशन और सब्सिडीज से, इसको बोलते हैं फिस्कल मेजर्स. लेजिस्लेटिव होते हैं लॉज, कुछ कानून बनाए जाएँ, जैसा मिनिमम वेजेस एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट बनाए जाएँ जिसमें कि लेबर को इतना इतना पैसा मिलेगा, इतने घंटे काम करना होगा, इससे ज़्यादा करेगा तो और पैसा दिया जाए, तो इस तरीके के एक्ट्स बनाए जाएँ, ये लेजिस्लेटिव मेजर्स में आ जाता है. तीसरा आता है देखो GDP इंप्रूव करो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंप्रूव करो थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल. जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ मेजर्स लिए जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ मेजर्स लिए जाए तो हमारे पास पॉवर्टी कॉम्बैट होगी.
और फिर अदर मेजर्स, अदर का मतलब जितने भी बच गए जनरल मेजर्स वो सब इधर डाल दो, जैसे कि एग्रीकल्चर डेवलप हो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, बैकवर्ड एरियाज पे फोकस किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक कौन सी होती है, जिसमें मशीनों का कम प्रयोग हो और लेबर का ज्यादा। इंडिया एक लेबर से भरा हुआ देश है, तो लेबर का ज्यादा यूज होना चाहिए, मशीनों का कम। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास इस चैप्टर में, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं बनाई हैं, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है। अब वो कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनसे पॉवर्टी को एलिवेट किया जा सकता है, वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं सर हमारे पास, तो सबसे पहले याद रखो कि गवर्नमेंट ने दो प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट ने जॉब्स नहीं दी, गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव्स दिए, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दी कि आप जॉब्स क्रिएट करो, जॉब्स ढूंढो मत, फैक्ट्रियां मत ढूंढो काम करने के लिए, फैक्ट्रियां लगाओ, उसमें और लोगों को भी काम मिलेगा, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट होता है फिक्स वेजेस देना, लेबर को काम देना, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट टेक्निक्स। तो याद रखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग है, वेज एम्प्लॉयमेंट अलग है। अब ये जितनी भी योजनाएं हैं इनके नाम से आपको हिंट लेना है कि ये कहाँ पे होगी, सबसे पहले इनका नाम समझने की कोशिश करना, उसके बाद जो इनके ईयर्स हैं वो एनसीईआरटी की जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है, रटना तो पड़ेगा। 5-6 योजनाएं हैं, ईयर्स लिख लिख के याद कर लो। अब ईयर में क्या समझाऊं मैं कि तुम कौन से सन में पैदा हुआ, कौन से ईयर में पैदा हुए, क्या समझाऊं उसमें, है तो है डेट, ऐसे ही इसमें, तो लर्न तो करके चलना, जो उसके अंदर है योजना में वो नाम से पता चल जाता है इजीली। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना नंबर 1 REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल यानी रूरल एरियाज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम ये बनाया गया था। ठीक है, क्या था इसके अंदर, एक एक चीज मैं तुम्हें की पॉइंट दूंगा वो मार्क कर लेना। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएगा, रूरल एरियाज में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इट वॉज इंप्लीमेंटेड बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। याद रखो रूरल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये जो प्लान इंप्लीमेंट किया गया था वो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने किया था। अंडर दिस प्रोग्राम वन कुड गेट फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन। आपको लोन मिलते थे छोटी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, कुछ भी खास नहीं था योजना में। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या करो, इंडस्ट्री लगाओ, वहां उसके लिए लोन मिलेगा आपको। विलेज और खादी इंडस्ट्री ने सेटअप किया था ये इसका सीधा सीधा सा एक्सप्लेनेशन है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में अगर योजना यहां से कोई आया तो। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में क्या हुआ था, देखो प्राइम मिनिस्टर जी कब उठे, जब उन्हें दिखा कि यार हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों को काम नहीं मिल रहा, पढ़ाई कर ली तब भी काम नहीं मिल रहा, तो प्राइम मिनिस्टर जी उठ गए कि चलो जल्दी से इनके लिए कुछ करता हूं, बच्चों के लिए कुछ जनरेट करते हैं। तो याद रखो प्राइम मिनिस्टर कब उठे, अंडर दिस प्रोग्राम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जब हुए, जब पढ़े लिखे लोगों का कुछ नहीं हो पा रहा था, तब एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वर गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप देयर एंटरप्राइज। उनको पैसा प्रोवाइड करा गया कि आप अपनी एंटरप्राइज सेटअप करो और एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करो, यार पढ़े किस लिए हो। ठीक है, दिस योजना जनरेटेड 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी छोटी 7 लाख एंटरप्राइजेस बनी थी इस योजना से 8th प्लान में, और 2003-04 तक 3 मिलियन पीपल को इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं। अगला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती यानी सोने की जयंती, ग्राम यानी कि गांव वाले एरियाज, स्वरोजगार अपने लिए खुद रोजगार ढूंढना, ऐसी योजना। टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरियाज SGSY वॉज लॉन्च्ड इन विलेजेस इन अप्रैल 1999। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर एस्टैब्लिश्ड, फिर से छोटी छोटी एंटरप्राइजेस लगी। 11-12 में SGSY वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इंटू NRLM, ये इंपॉर्टेंट है। SGSY किस में रीस्ट्रक्चर हो गया था और कौन से ईयर में, 11-12 में SGSY स्कीम वॉज रीस्ट्रक्चर्ड इंटू NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। देखो लिवलीहुड मिशन का मतलब ये होता है कि लिवलीहुड जनरेट करना, जीने के साधन क्रिएट करना। तो ये जो हमारे पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, पूरा लिख लेना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये किसमें कन्वर्ट हो गया था, NRLM में। ठीक है, तो इस तरीके के पॉइंट्स याद रखो, ये NRLM में कन्वर्ट हो गया था, ये इसका बेसिक की पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
These enterprises were organized as individual enterprises, छोटे छोटी और enterprises, and collective basis as self-help groups. Self-help groups भी बने थे, आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रही थी ये enterprises. Major यही है इसके अंदर. Number 4, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. संपूर्ण ग्रामीण का मतलब सभी को रोजगार मिलना ग्रामीण एरियाज में, ठीक है. SGRY was launched on 1st September. The main objective of this yojana is to provide employment opportunities. नाम में ही पता लग रहा है, सभी को रोजगार देना, employment opportunities to surplus workers को. To focus on development of infrastructure, infrastructure develop करना, तभी तो रोजगार मिलेगा. उसके बाद to focus on development of regional economic and social conditions. This yojana has set a target of creating 100 crore man day. याद रखो, ये पॉइंट आपको मिल सकता है कि 100 करोड़ मैन डे लेबर के लिए, 100 करोड़ वर्किंग डेज लेबर के लिए कौन सी योजना के अंडर आए थे. तो याद रखना SGRY, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सभी को काम देना. कहां तक? 100 करोड़ डेज तक, 100 करोड़ मैन डेज तक. कौन सी योजना? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार. तभी तो सबको मिलेगा, कम से कम 100 करोड़ मैन डेज हो, ठीक है. ये हो जाता है. इसके बाद ये की पॉइंट्स पकड़ने हैं आपको, अपनी कॉपी में की पॉइंट्स लिखना, यहीं से बनता है काम. मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स होता है बेसिकली मिनिमम नीड्स पूरी करना, जो हमारे रूरल एरियाज हैं वहाँ पे लोगों की मिनिमम नीड्स पूरी करना. टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर, मिनिमम नीड्स वर्ड लॉन्च्ड. दिस प्रोग्राम कवर, अब मिनिमम नीड्स में क्या क्या आता है? प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, मिनिमम नीड्स में यही चीजें आएंगी. रूरल हेल्थ, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, तो ये सारी चीजें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, उसमें रखा गया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, कि कम से कम इतना हो तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो. सिंपल. 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम में हमारे पास ये कुछ चीजें थी, वही इरिगेशन कैपेसिटी हो गई, प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स हो गए. याद रखना पल्सेज और ऑयल सीड्स, दालें और ऑयल सीड्स में 20 पॉइंट प्रोग्राम का रोल था. उसके बाद मिनिमम वेजेस टू एग्रीकल्चर वर्कर, ड्रिंकिंग वाटर, फॉरेस्ट और गोबर गैस में भी यही, मतलब इसने ना बहुत सारे कुछ 20 पॉइंट्स कवर करे इस तरीके के. डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फैमिली प्लानिंग, ये सब. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ऊपर थी ग्रामीण, ये आ गई शहरी. शहरी योजना में क्या हुआ था? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों आए थे इसके अंदर. उसमें सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, इसमें सेल्फ और वेज दोनों थे, ठीक है. अच्छा, इसमें क्या क्या आता है? अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, बट डिफरेंस यही है, उसमें सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण में इसमें दोनों. अच्छा जी, और इसमें जितना भी खर्चा होता था 75% सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, यानी कि हमारे मोदी जी, और 25% जो भी आपके स्टेट मिनिस्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है. इसके बाद हमारे पास आता है मनरेगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट. 100 डेज वर्किंग मनरेगा में कम से कम 100 दिन का काम गवर्नमेंट देगी लेबर को. महात्मा गांधी वाली स्कीम, ये पक्का आपके पास एग्जाम में आएगी, इंपॉर्टेंट स्कीम. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द मिनिमम वेजेस, जो भी वेजेस गवर्नमेंट मिनिमम डिसाइड करेगी उस पर जो काम करने के लिए तैयार रहेंगे, उनको कम से कम 100 डेज का काम मिलेगा. 100 डेज याद रखना, 100 दिन वाली योजना महात्मा गांधी जी वाली, ठीक है, 100 डेज वाला. दोज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर टू रिपोर्ट इन दोज रूरल एरियाज, जहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, जिन्हें काम चाहिए उन रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा जहां पे ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं. अंडर दिस स्कीम लगभग 5 करोड़, कितने करोड़? 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब्स इन करंट फाइनेंशियल ईयर एज ऑन 14 जनवरी 2018. ये इस डेट का डेटा है, ये मतलब यहाँ पे 4.6 करोड़ है, एनसीईआरटी में 5 करोड़ है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना 5 करोड़ लोगों को काम मिल चुका था. 100 डेज वाला काम महात्मा गांधी वाली योजना में आता है, याद रखना. इसके बाद नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क, काम के बदले में खाना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन 2004. द ऑब्जेक्टिव इज टू इंसेंटिफाई द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, एक्स्ट्रा वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा जा सके. NFFWP National Food for Work Program was initially implemented in 150 most backward districts. इसका key point ये है, कौन सा program? सबसे पहले 150 सबसे backward districts पे लगा National Food for Work Program. The program was implemented as a 100% centrally sponsored scheme. 100% centrally sponsored, सारा central government से आएगा. तो ये कुछ योजनाएं थी जो आपको देखनी है, key points पकड़ने हैं, अपनी copy में लिखो, उन्हें 8-10 बार revise करो, बस ज़्यादा tension नहीं है, और एनसीईआरटी में जो है उनके इयर्स लर्न कर लो, दिस इज इट. उसके बाद तो योजनाएं खत्म ही नहीं हो सकती, तो वहां नाम पढ़ोगे मैचिंग में आएंगी ज्यादातर ये.
नाम पढ़ के सामने ऑब्जेक्टिव तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा, करेक्ट है जी। इसके बाद आता है अगर हम देखें कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स क्या सक्सेसफुल थे, तो भारत में यार अगर मैं पूरी इंडियन इको की बात करूँ तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं था, ना हमारी प्लानिंग ना हमारी कोई योजना, कुछ भी प्रॉपरली रिजल्ट हमें नहीं मिलते क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है। तो सबसे पहला नहीं थे, कारण लैक ऑफ रिसोर्सेज, पैसा उतना नहीं था हमारे पास। नंबर टू, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसी के पास बहुत ज़्यादा पहुँच गया, किसी के पास बहुत कम पहुँचा। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता, कहीं हो जाता है कहीं नहीं होता। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप सपोज वेज एम्प्लॉयमेंट देना है तो इतनी इंडस्ट्रीज कहाँ से, फैक्ट्रीज कहाँ से आए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, लोगों को पता ही नहीं चलता योजनाओं के बारे में तो वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते, तो सभी लोगों तक पहुँचता ही नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से हमारा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी फेल हो गए कुछ एक्सटेंट तक। कुछ एक्सटेंट तक तो सबको फायदा मिलता ही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉवर्टी गाइस, होपफुली आप लोगों ने पॉवर्टी भी कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 3 चैप्टर्स फ्रॉम इंडियन इको, यानी यूनिट नंबर 2 में से जितना भी काम आ रहा है वो सब हमने कर लिया कवर। तो ये हो गया हमारा इंडियन इको के 3 चैप्टर्स, बचे 3 यूनिट 1 के, वो आपके पास कल आ जाएंगे और या आज ही आ जाएंगे, देख लूँगा यार अगर टाइम लगा मुझे, अभी तो थोड़ा और काम है मुझे। तो आज अगर मैंने बना दिया तो तुम लोग के पास आज ही के दिन जिस दिन ये आ रहे होंगे उसी दिन आ जाएंगे, जब भी आ रहे होंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे आ ही जाएंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, होपफुली आप ये 3 चैप्टर आज प्रिपेयर कर पाओगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेना और 3 चैप्टर अपने पूरे कर लेना, बस 3 ये बचे, फिर मैक्रो के 3 बचे, खत्म, पैकअप हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप शेयरिंग, कीप लविंग और थैंक यू, keep studying, make your parents proud. Thank you so much.